जालौन के कोंच में विधान परिषद सदस्य श्रीमती रमा निरंजन के प्रतिनिधि आरपी निरंजन द्वारा एक कार्यक्रम में शिरकत की। ये कार्यक्रम संस्था का था। इस संस्था के विकास के लिए अपनी निजी आय से 50,000 रुपए की चेक प्रदान की। इसके उपरांत कहा संस्था अपने उद्देश्य पर कार्य करती रहे और वह जल्द ही फिर से 50,000 रुपए प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता भी की। प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमारा उद्देश्य ये है, माधोगढ़ क्षेत्र में हमारा जन्म है। माधोगढ़ क्षेत्र में एक बार हमारा टिकट पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया था, इसलिए एक अंदर से मन है कि माधोगढ़ क्षेत्र जब नाम जुड़ गया है, यहाँ के हम MLC हमारी पत्नी भी हैं, तो हम माधोगढ़ क्षेत्र का क्यों उत्थान न करें, ये एक मन में हमारे कल्पना हुई। उसी उद्देश्य से हम माधोगढ़ क्षेत्र में क्या करने जा रहे हैं वो चीज़ बताई। पहली, युवाओं को रोजगार कैसे हम दिलाएं, पहली प्राथमिकता हमारी। दूसरी प्राथमिकता थी कि माधोगढ़ क्षेत्र में हम अनुशासन को कैसे मेंटेन रखें। तीसरी प्राथमिकता, माधोगढ़ क्षेत्र के स्कूलों को हम कैसे आगे बढ़ाएं, ये हमारी प्राथमिकता थी माधोगढ़ क्षेत्र के लिए। किसानों का ऋण पूरा कैसे माफ हो, इस पर थी। पार्टी के जो निर्देश हैं उसका ये पालन करना है कि 6 महीने बोलना नहीं है, लेकिन 6 महीने तक चुप भी नहीं रहना है। अगर कोई ज़्यादा बड़ी घटना हो तो विरोध करना है और उनका मूल्यांकन करना है। आज हम मूल्यांकन कर रहे हैं और मूल्यांकन ये 6 महीने बाद एक एक चीज़ हमारे सामने रखा जाएगा। जो घटना कौन की हो घटना कौन की सामने रखी जाएगी, जो काल्पी रखी जाएगी, जो माधव रखी जाएगी, जो उरई की होगी, झांसी की होगी, मलोरा कहीं की भी होगी, तो वो 3 जिले का हम प्रदर्शन रखें, पूरी घटनाएं हम रखेंगे।